हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आज दिन का कौन सा दूसरा एंड तीसरा कोरियर है ये, और एक का मैं पहले कर चुकी हूँ। तो चलो, मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी भी जो अनबॉक्सिंग है वो आप लोगों के साथ में कर लूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इससे, ठीक है, इस वाले से। तो चलो खोल के देखते हैं। मीशो में बस ये है कि आपको चीज़ें सस्ती मिल जाती है और अच्छी भी मिल जाती है। मतलब चीज़ सस्ती से मतलब नहीं होता, और चीज़ सस्ती और अच्छी हो तो फिर वो ना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मैंने ना कुछ ये वाला इस टाइप का मैंने सीलिंग बैग मंगाया है, और ये मैंने मंगाया है किसके लिए मैं बताती हूँ। मैं जाती हूँ मार्केट, सब्जी मतलब फ्राइडे मार्केट जाती हूँ, जो कि जहाँ सब्जियाँ वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ ना मुझे फ़ोन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रखने की, तो मुझे ना एक छोटा सा सीलिंग बैग चाहिए था, जो कि ये है, और अच्छा लग रहा है, अच्छा है। मैं दिखाती हूँ आपको, रॉयल चार्ल्स, तो दिखाती हूँ। तो कुछ इसकी जो बेल्ट है वो है इतनी बड़ी, ठीक है, आप इसे छोटी बड़ी कर सकते हो, मतलब नहीं, हाँ इसे एडजस्ट कर सकते हो आप, छोटी बड़ी कर सकते हो इसको। और पैक पॉकेट दिखाती हूँ, और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। इसका जो प्राइस है वो है 264 के हिसाब से, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। एंड मैं इसमें पॉकेट दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें पॉकेट मिल जाती है आपको ये पीछे की साइड में, ये यहाँ मिल जाती है, तो आप यहाँ भी जो खुले पैसे हैं वो रख सकते हो। और फिर आपको मिल जाती, ये जब खोलोगे आप तो आपको एक चेन यहाँ भी मिल जाती है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी काम आएगी आपके। एंड उसके बाद इसके ये वाली एक पॉकेट मिल जाती है आपको यहाँ, तो इसमें ना काफ़ी पॉकेट मिल जाएंगे आपको। इसमें ये थैली भरी हुई जिसका कि कुछ काम है नहीं, तो ये इसमें आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो, इसमें फ़ोन रख सकते हो आप, ठीक है, चाहे आप पैसे भी रख सकते हो। उसके बाद आपकी जो मेन है वो मिल जाती है यहाँ, इसमें भी कास्ट थैली की जगह पैसे भरे होते इसमें, कितना अच्छा होता ना। नहीं, तो मैं दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि मतलब अंदर से इसमें गहराई ना हो, काफ़ी अच्छी है, पॉकेट काफ़ी अच्छी है इसमें, तो काफ़ी अच्छा मिल गया मुझे। और फिनिशिंग भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें अंदर धागे वागे निकल रहे हो, तो काफ़ी फिनिशिंग है। तो मुझे इस टाइप का ही कुछ चाहिए था, जैसे कि मैं इसको आराम से लेके जा सकूं। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हो आप, और आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, और जो इसकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, जैसे लेदर होता है ना वैसा ही लग रहा है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अच्छा है, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड, मतलब वो तो मैं अलग से वीडियो डालूंगी इसकी, फर्स्ट हमारा, एंड ये दोनों एक साथ में आए हैं। और सेकंड है हमारा ये वाला, और इसमें है ये क्या है दिखाती हूँ, एक मिनट, इसको खोलेंगे ऐसे, एंड ये भी ना मैं ना मीशो देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, तो स्क्रॉल करते करते मुझे ये दिखाई दिया, और ये किचन का, किचन में यूज होगा ये, ओ यहाँ टेप लगा हुआ है तभी नहीं खुल रहा है। कडल, कडल को पता नहीं क्या, मतलब कुत्ते अगर सड़क पे भी आके बैठ जाते हैं तो भी ये बैठने नहीं देता, जैसे पता नहीं पूरी सड़क वड़क सब इसी की हो। तो ये है सोप डिस्पेंसर, और आप इसमें लिक्विड रख सकते हो, ये
है सोप डिस्पेंसर। और इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं दिखाती हूँ पहले आपको, ये जो है ना इसको निकाल लेते हैं हम। तो ये जो वाला पार्ट होगा ना, इसमें आप लिक्विड जो प्रेल वगैरह आता है आप इसमें मतलब वो इसमें डाल सकते हो डाल। तो गाइस क्या कर सकते हो, तो ये मैं बता दूँ कैसे यूज़ होगा। ये है इस वाले कंटेनर में आप लिक्विड डालोगे अपना, और उसके बाद इसको ये जो देख रहे हो ना, इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है, इसके थ्रू इसमें जो लिक्विड होगा वो जाएगा, एंड उसके बाद आप इसको लगा दोगे इस तरीके से, ठीक है। और इसके साथ आपको एक स्पंज भी मिल जाता है, ये स्पंज आप जैसे, और ये देख रहे हो ना ये ट्रे है, इसमें एक छोटा सा होल है, देख रहे हो ना छोटा सा होल है। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से प्रेस करोगे तो जो लिक्विड है ना, जो आपका जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा और जो आपके स्पंज में वो आ जाएगा, जैसे कि आप आसानी से अपने बर्तन है वो धो सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट। और मतलब बार बार होता है ना कि मेरे पास जो मैं यूज़ करती हूँ ना, तो बॉटल है वो काफ़ी बड़ी, तो मैं क्या करती हूँ उसे बार बार, मुझे कंटेनर है तो बार बार मुझे उसमें करना पड़ता है। अब इसमें क्या होगा, मैं पूरा भर दूंगी इसको और ये काफ़ी टाइम के लिए चल जाएगा। देखने में भी काफ़ी क्यूट लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना हमारे किचन में होती है, तो हमारी जो किचन है वो भी अच्छी लगती है और बहुत ही मतलब हाइजीनिक भी है ये काफ़ी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। और इसका जो प्राइस है वो है, ये मुझे पड़ा है 114 का, ये मुझे 114 का पड़ा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। चलो इसको रख देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना है क्या, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आप जैसा कि आप देख सकते हो जो मेरा कुत्ता है वो सुनने नहीं दे रहा है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।